नमस्कार दोस्तों, द एसके डिजिटल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं संतोष। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, केंद्रीय विद्यालय की जो फर्स्ट ड्रॉ लिस्ट आई थी उसकी एडमिशन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। आप में से अधिकतर लोगों ने एडमिशन भी अपने बच्चों का करवा लिया होगा, ऐसी उम्मीद है। लेकिन दोस्तों, ऐसे काफी सारे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों का नाम फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया था, तो वो सेकेंड ड्रॉ का या फिर थर्ड ड्रॉ का इंतजार कर रहे होंगे। तो दोस्तों, फाइनली आप सभी के लिए बड़ी खबर, कल 6 मई को सेकेंड ड्रॉ लिस्ट निकलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिवाइज्ड जो शेड्यूल आए थे उसके हिसाब से यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण डेटें दी गई हैं। तो पहली जो ड्रॉ आई थी वो 29 तारीख को आई थी, यानी कि 29 अप्रैल को निकाली गई थी। अब जो सेकेंड ड्रॉ लिस्ट आने वाली है वो कल 6 मई को निकाली जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो 6 मई को कल ड्रॉ लिस्ट आएगी। तो दोस्तों, जो दूसरी ड्रॉ लिस्ट है वो आप किस प्रकार से चेक कर पाएंगे बताऊंगा इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए वो भी जान लेते हैं किस तरह से आप अपने बच्चे का जो सेकेंड ड्रॉ लिस्ट है उसमें नाम चेक कर पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट है kvssangathan.nic.in, इस वेबसाइट पर आ जाना। यहाँ पर आपको 3 लाइंस दिखाई देंगे, यहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको अबाउट केवीएस का ऑप्शन मिलेगा, होम के नीचे लिखा हुआ सबसे पहला ऑप्शन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्टरीज का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। डायरेक्टरीज ऑफ केवीएस लिखा होगा, यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर जितने भी स्कूल हैं उन सभी की लिस्ट यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। तो यहाँ से देखिए, आपको स्कूल सर्च करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो यहाँ देखिए स्कूल सर्च करने का ऑप्शन दिया गया है। तो आप स्कूल वाइज भी सर्च कर सकते हैं, रीजन वाइज भी सर्च कर सकते हैं और स्टेट वाइज भी सर्च कर सकते हैं। तो हम जैसे यहाँ पर दिल्ली सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम सर्च पर क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए, दिल्ली के जितने भी स्कूल होंगे वो सभी यहाँ पर अब फाइनली हमारे सामने आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए, जिस भी स्कूल में आपने अप्लाई करा था अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए, उस स्कूल की वेबसाइट देखने के लिए आपको देखिए यहाँ पर सिंपली थोड़ा सा स्क्रॉल करके इधर चले जाना है राइट साइड में, और यहाँ पर देखिए उस हर स्कूल की वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो जिस भी स्कूल में आपने फॉर्म भरा था उस स्कूल की वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है और ओके पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको जो वेबसाइट खुलेगी जिस स्कूल में आपने फॉर्म भरा था, यहाँ पर एक अनाउंसमेंट का आपको सेक्शन दिखेगा। नीचे की ओर जाना है और नीचे की ओर देख जाकर के देखिए, यहाँ पर अनाउंसमेंट का सेक्शन हर वेबसाइट पर मिलेगा आपको, हर स्कूल की वेबसाइट पर केंद्रीय विद्यालय के। तो यहाँ पर देखिए आपको इस तरह से मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे कि ये पहली लिस्ट के बच्चों, जो पहली लिस्ट में जो बच्चे सिलेक्ट हुए उनकी लिस्ट अभी आ रही है, अभी क्योंकि सेकेंड ड्रॉ लिस्ट आई नहीं है। जैसे ही सेकेंड ड्रॉ लिस्ट आ जाएगी यहाँ पर आपको वो लिस्ट भी दिख जाएगी। तो आप उस स्कूल में भी चेक कर सकते हैं या फिर आपने जिस वेबसाइट से फॉर्म भरा था KVS एडमिशन ऑनलाइन करके जो वेबसाइट है वहां पर भी डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत आसानी से अपने बच्चे का रिजल्ट चेक कर सकते हैं, सेकंड ड्रॉ लिस्ट में बच्चे का नाम आया है या फिर नहीं आया। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।